बिहार के नालंदा से कैसी खबर सामने आई जिसने एक बार दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की याद दिला दी है। जिस तरह से आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे अलग अलग जगह ठिकाने लगाए, ठीक वैसे ही जगह ने मामला नालंदा के नूरसराय थाना इलाके में सामने आया है, जहां एक शख्स की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए और फिर उसे नदी और तालाब में फेंक दिया गया। दो दिन पहले बोरी से कटे हुए हाथ पैर मिलने के बाद पूरा मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद इस घटना के खुलासे का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जिस लड़के का मर्डर किया गया और शव के टुकड़े किए गए उसकी पहचान हो गई है। बता दें पुनपुन नदी से मृतक का सिर मिला है। इस मामले की जांच कर रही नूरसराय पुलिस ने एक दंपत्ति को मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। हमारे पंचायत का विकास चौधरी थे, उनका हत्या कर दी गई है, जिनका हाथ और पैर चारों काट कर, दो हाथ और दो पैर काट कर ये नारी के छिलका पर फेंका गया था और शरीर का जो बीच का पार्ट है वो सिपाह मोड़ के पास पुल के नीचे मिला और सर जो है जो फतुहा नदी के फतुहा में मतलब पुनपुन नदी के नीचे मिला। परिवार वाले क्या बता रहे हैं, क्या कारण इस घटना का? परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनका हत्या किस ढंग से की गई है, किस मकसद से किया गया है, इनका परिवार का भी कोई ज्यादा पता है सबके बारे में। गांव में पुलिस इसका जांच पड़ताल कर रही है। नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी छिलका के पास बोरे में बंद हाथ और पैर मिले हैं, जिसके बाद धड़ और सिर मिलने पर पुलिस ने मृतक के पहचान का दावा किया। सूत्रों की माने तो विकास का अवैध संबंध ज्योति से शादी से पहले ही चल रहा था। ज्योति के मायके में विकास चौधरी किराए पर रहकर 10 साल पूर्व कंपटीशन की तैयारी करता था, तभी से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच ज्योति की शादी हो गई, इसके बावजूद प्रेम प्रसंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जब उसने विकास को मिलने के लिए कहा, अपने ससुराल बुलाई, जहां पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर कुदाल से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई।